आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनको सम्मानित कर रही है। तो आप के साथ आज के हमारे मुख्य यजमान जी गंगू साहब भी उनके सदस्य गोविंद राम हमारे बीच में बहुत बहुत पधारने का स्वागत है। मैं जो हमारे प्रधान जी उनके साथ है सुप्रसिद्ध राजस्थान के श्री पंडित जी भाई सांसद जी हमारे बीच में अपने कीमती वक्त निकाला है और गदराना साहब का बहुत बिजी शेड्यूल था, उनको इसके तुरंत बाद अभी सिरसा में एक आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग पर कॉन्फ्रेंसिंग बहुत बड़ा सहयोग हमारी गौशाला को मिलता है वो निमित्त छोटे से पते पर सदस्य सारे मुझे तो व्हाट्सएप भी कार्ड कर दो, मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आपका व्हाट्सएप आ गया। तो गुदराना साहब का ये बड़प्पन और हमारा भी सौभाग्य है कि वो लंबे समय से गुदराना प्यार इलाके के साथ है, हर मुसीबत में हर मुश्किल पर वो हमारे बीच में रहते हैं चाहे वो किसी भी तरीके से हो और गो सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान इस इलाके को हमेशा रहेगा। तो जोरदार तालियों के साथ मुझे पंडित जी रवि का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार आप पिछले 3 दिनों से जो वो अमृतमयी वर्षा अभी मेरे पास दानी सज्जनों की सूची भी आ गई है, हम उस सूची की बातें सरदारों की ड्यूटी कॉपी मेरे तक पहुंचाने की वो कॉपी भी पहुंचा दें, दानी सज्जनों की कॉपी है। तो आपका जोश तालियों का बना रहना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा दिल खोलकर हमारे दानी सज्जनों ने आज दान दिया है और ये सिलसिला गौ माता करे भगवान करे ऐसे ही ताओ उम्र तक चलता रहे। 2100 रुपए का सहयोग गुरचर सिंह जी दिल से उनका बहुत बहुत हम व्यासपीठ की ओर से धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए का सहयोग श्री जसकर सिंह जी और हमारे पंचायत के मेंबर्स हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 1100 गोपदान है बहुत बहुत 1100 रुपए गोपदान महादान बहुत बहुत शुक्रिया। 500 रुपए गोपदान महादान 100 रुपए गोपदान महादान 2100 रुपए घेरू राम जी पूनिया जी की तरफ से हमारी गौशाला भेंट किया गया उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी तालियों में जोश नहीं है जितना जोश दानी सज्जनों में है, तो कृपया इस बात में और मैं विशेष तौर पर विपिन फौजी जी का हैप्पी मेहता जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके ये सब जो ब्रेड का प्रसाद है वो दिया जाए गौशाला को श्री हवा सिंह जी पलानिया की तरफ से किया जा रहा है, तो आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करते रहे। 11000 रुपए का दान श्री लाल जी रिवाड़िया कामदार साहब, इनकी गुल्लक की सेवा भी अपार रहती है, हर गौशाला हर कथा के दौरान इनका बहुत बड़ा सहयोग हमें हमेशा हर महीने मिलता रहता है, तो तहे दिल से धन्यवाद। 7100 रुपए श्री सरवर कुमार जी नंबरदार साहब की तरफ से हमारी गौशाला को इस कथा को महोत्सव मानकर दान दिया जा रहा है, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
1600 रुपए का धन्यवाद बसंत सिंह जी पन्नू चक्की वाले इनकी तरफ से परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। मैं बताते हुए हर्ष इस बात का महसूस करता हूं कि बसंत पन्नू जी हमारी गौशाला को जो भी दलिया दाना बनाना होता है उसमें वो निःशुल्क रूप से हमारी गौशाला को वो इतनी गौशाला के हमारे सेवादार हैं, बहुत सेवा करते हैं हमेशा कथा के दौरान चाय का जो जिम्मा होता है पिल्लू जी कोटा में अपनी सेवाएं देते हैं तो वहां से छुट्टी लेकर अपनी ड्यूटी छोड़कर कथा में लगातार 10 दिन वो सेवा करते हैं, दिन रात यहां पर रहते हैं। तो मैं पिल्लू जी का तहे दिल से व्यासपीठ की ओर से पूरे गांव की ओर से इस हमारी सेवादार का धन्यवाद करता हूं और कोटि-कोटि में नमन जो हमारे मंत थे महावीर नाथ जी को भी करता हूं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमारी गौशाला को हमेशा मिलता था। 11,000 रुपए का सहयोग हमारी गौशाला को श्री जगदीश मोड़सराजी मेडिकल हॉल वाले हमारी गौशाला को भेंट करें, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 7100 रुपए हमारी गौशाला को श्री कृष्ण लाल जी पूनिया मास्टर जी भेंट कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और 11,000 रुपए का दान हमारी गौशाला को श्री जसवीर सिंह जी पन्नू दास पूरे परिवार की तरफ से किया जा रहा है, छोटी सी देन, तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं फादर साहब का भी। और 100 रुपए अचल महाशु के दादा किशोर जी मेंबर साहब उनके पोतों को देकर ये दान उनके हाथों से करवाया, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 31,000 रुपए का दान श्री त्यागराम जी पूनिया साहब की पूरी फैमिली की तरफ से हमारी गौशाला को भेंट किया जा रहा है, तो तहे दिल से मैं बहुत बहुत नतमस्तक होकर सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा हाजिरी भी लगवाते हैं और गौशाला को दान देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और संजय सेवटा जी सुनोब राजेश सेवटा जी फौज में भर्ती होने पर अपनी पूरी पहली तनख्वाह गौशाला को दान कर रहे हैं और अपने पहले महीने हर महीने 1,000 रुपए की जो मंथली सेवा भी गौशाला को भेंट करेंगे। सुभाष धांधल जी की एलम में पोस्ट पर तैनाती होने पर दौलतराम धांधल जी नंबरदार साहब भी हमारी गौशाला को 7100 रुपए का जो दान भेंट करें, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी कथा के फोटो होते हैं वो आप हमारी गौशाला की आईडी श्री राधा कृष्ण गौशाला फेसबुक पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा वक्त हम जाया ना करते हुए हम पूज्य पंडित जी की तरफ कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पर कि हमारे बीच हमारे यजमान कुलदीप सिंह जी गदराना साहब हमारे बीच में है, तो उनसे 2 मिनट की रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आशीष के तौर पर इतना बड़ा सहयोग हमारे साथ उनका रहता है, वो 2 शब्द गदराना साहब हमारे मार्गदर्शन के तौर पर जरूर रखेगा। आदरणीय गदराना साहब व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय पंडित रवि भाई सारस्वत जी राधा कृष्ण गौशाला अहमदपुर दारेवाला चक फरीदपुर की कमेटी के सभी सदस्यगण, मेरे पिता तुल्य बहुत ही आदरणीय सरपंच श्री गोविंद राम जी, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र आपके अपने भाई सरपंच अनिल कालड़ा जी, मेरे भांजे गुरविंदर पन्नू जी, गांव के आदरणीय मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, सबसे पहला ब्लाउज करा गौ माता की, आवाज घट आई है थोड़ी, गौ माता की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। आदरणीय पंडित जी, हम अपनी तरफ से पूरे गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे यहाँ पहुँच कर आशीर्वाद दिया और हमारे को धन्य किया, आपने बहुत सुंदर कथा का आशीर्वाद देकर हमारे प्राणियों को आगे बढ़ने का जो आदेश संदेश दिया, क्योंकि आज के कलयुग के वक्त में सरपंच साहब आपका जब
थे आपके पास तो उस समय टाइम होता था, आज भी आपके पास टाइम है। जो नई पीढ़ी है ना, के लिए तो हम सब करते हैं, अपने परिवार के लिए 24 घंटे बाग दौड़ करते हैं। तो पंडित जी मैं कह रहा अपने बाग दौड़ करते हैं बड़ा, लेकिन जहां मनुष्य जीवन हमारे को मिला जो बार बार नहीं मिलना, तो इसमें हमारे को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम हम धार्मिक कामों के लिए दें, थोड़ा सा काम हम समाज के काम के लिए दें, तो जहां हमारा इस जीवन में आना सफल होगा और वापस जाना भी सफल होगा। तो प्राणी इसीलिए धरती पे आया है, हमारे ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है, हमारे को प्राणी के रूप में धरती पे भेजा है, और हम अपने परिवार के कामों के साथ साथ थोड़ा सा टाइम धर्म के काम के लिए, समाज के काम के लिए निकालें, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार खुश और खुशहाल रहे। और आज जरूरत भी है कि कलयुग का दौर बहुत गंभीर रूप धारण कर रहा है, तो हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, नशे का दौर आ रहा है। तो मैं तो पंडित जी से भी कहूंगा कि नशे के बारे में भी आप थोड़ा टाइम जरूर लगाएं, क्योंकि ये क्षेत्र है नशे में फंस गए हमारे नौजवान बच्चे, तो नशे के लिए भी हमारे युवा साथियों को आप जरूर प्रेरित करें, इस बुराई से दूर रहे, और इस बुराई से दूर रहोगे, खेलों की तरफ बढ़ोगे तो नशे अपने आप छूट जाएंगे, खेल कूद भी करें, धार्मिक आयोजन भी करें। सो पन्नू साहब, ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, जैसे कहते ना बूंद बूंद से सागर भरता है, गांव में सारे गांव के सहयोग डालेंगे वो सब आपके लेखे में जुड़ जाएगा। तो मैं भी अपनी तरफ से पिछले किसान हम करवा दें, लेकिन हम नरमे वाले किसान है, फेल हो गए, बैंक हमारी नरमे वाली है, तो दिल तो कर धार्मिक जगह जितना हो जाए जो अभी आप एक रुपये भी नहीं, एक लाख तो 5100 रुपए का हमारी भी छोटी से इसमें योगदान आप डाल देना। तो एक बार फिर मैं आदरणीय पंडित जी का यहाँ पहुँचने के बाद हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गांव एम वाला चकफ्रीदपुर के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माता बहनों का, इनका हर साल आपके गांव में इतना अच्छा आप सबको दान, आप सबका रहता है, इनका हमारे से भी ज्यादा बिजी है। अब हम कमरे में बैठे इनकी तकलीफ कर रहे थे, इनके पीछे भूखे तकलीफ करनी तो अच्छी लगती है। तो इनका क्योंकि समाज में रोज कोई ना कोई घटना घट रही है, बड़ा चौड़ा इलाका है, इनको कवर कर रहा होता है, इनका शेड्यूल हमारे से भी बिजी है, लेकिन 3-4 साल से ये अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए इनका भी तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की, बोलो शंकर भगवान की, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय खदराना साहब, हमारे बीच में विशेष तौर पर गौशाला सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग पाने वाला गांव के लिए की पूरी टीम, देवा भाई साहब भी हमारे बीच में पहुंचे, मैं तहे दिल से पूरी टीम का पारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में हरियाणा के सेवा आयोग के सचिव श्री अजीत सिहाग जी चौटाला बीच में पहुंचे, भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर पहुंचे हैं। खुशी होगी कि इस बार जो निकली थी उनका जन्म हमारे गांव से भी 7 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन हरियाणा का अकेला एक ऐसा पहला गांव निशाने खेड़ा है जहां पर एक ही दिन में एक साथ
बच्चों की दो दो भाई उनकी ज्वाइनिंग हरियाणा सरकार में इस बतौर एलम के पोस्ट पर हुई है, तो बहुत बहुत साधुवाद। ₹2100 श्री लालचंद जी सहारण चकबीरपुर से गौशाला कमेटी के सदस्य हैं, जोरदार तालियों से इनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ₹1100 श्री बीरबल राम जी रिगाड़िया साहब 10 गिलास और 10 बाटी गौशाला को भेंट कर रहे हैं, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ₹500 श्री रूप राम जी सोलंकी मेंबर साहब हमारे गौशाला को भेंट कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ₹5100 डॉक्टर सुभाष पुनिया जी, इनके पूरे परिवार की तरफ से इन्होंने नया अपना हॉस्पिटल भी औषधालय शुरू किया है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ₹365 मिस्त्री डॉक्टर बंटी जोगपाल जी गुलो की सेवा कर रहे हैं, ₹1100 गोपदान महादान, ₹1100 गोपदान महादान, ₹100 गोपदान महादान। और अभी आपकी जोरदार तालियां इतनी बजनी चाहिए कि ये गौ माता तक संदेश पूरे गांव में पहुंच जाना चाहिए। पूरे ₹51,000 का दान हमारी गौशाला को श्री रोहतास प्लानिया जी महादानी परिवार है, जो हमारी गौशाला को एक से लेकर लाखों रुपए का दान आदर्श करता है। मैं व्यास की ओर से पूरी गौशाला प्रबंधन की ओर से सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और ये प्रार्थना गौ माता से करता हूं कि इन घरों में तरक्की खाली तंदुरुस्ती माता बख्शना, कि इनको सबसे दुनिया के दानी बना देना, ताकि ये दान करने में कभी भी पीछे ना हटे, तो ये दान करते रहे, इनसे बहुत शुक्रिया। अभी फटाफट जो सुनिश्चित देकर सम्मानित किया है, तो सबसे पहले मैं बहुत जरूरी काम के लिए मीटिंग के लिए गदराना साहब को भी जाना है, तो बेचारे इस बात को लेकर मुझे पहले से रिक्वेस्ट किया था गदराना साहब ने, मैं माफी चाहता हूँ, उनका वक्त भी हमने जाया किया, लेकिन एक कमेटी की तरफ से छोटी सी गदराना एक स्मृति के तौर पर देकर सम्मानित कर रहे हैं। गदराना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पारिक साहब भी साथ रहेंगे, अनिल कांडा जी, सिहाग साहब जी, तो कृपया एक जो मेमेंटो है, तो आप तालियां जरूर बजाएं जब भी किसी को सम्मानित किया जाता है। और इनके बाद गोरक्षा दल रिसालिया खेड़ा की पूरी टीम कृपया मंच पर आ जाए, उनको भी गौशाला की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देकर, सामूहिक तौर पर एक स्मृति चिन्ह देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। आप जोरदार तालियां इन गो भक्तों के लिए आप लगाइएगा। ऐसी टीम जो हर वर्ष कितनी सर्दी गर्मी हो, चाहे कितनों भी किलोमीटर 100 किलोमीटर भी क्यों ना हो, वहां सारा चारा लाने की बात हो, तो रिसालिया खेड़ा की गौ रक्षा दल टीम हमेशा आगे रहती है। गौ सेवा के लिए घायल गौ माता का उपचार करना हो, चाहे किसी भी तरीके से बात आए, तो गौ ये शाला के अंदर इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। मंथली जो गुल्लक सेवा करते हैं, और इस बार भी उन्होंने 2100 स्मृति चिन्ह देकर गौशाला बेटी की तरफ जो भेंट लिए, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। श्री जसवीर सिंह जी पन्नू, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं, उनको भी एक छोटी सी भेंट देकर गौशाला की तरफ से सम्मानित किया जाना है। श्री टिकू राम श्रीवारिया, कृपया वो भी फटाफट मंच पर आ जाएं। इनकी तरफ से भी गौशाला को ₹2100 का सहयोग वो भेंट किया गया है श्री टिकू राम जी की तरफ से।
श्री अमीलाल जी लोकपाल साहब को भी कृपया मंच पर आ जाए फटाफट। उनकी तरफ से भी हमारी गौशाला को 1100 रुपए और हर मंथ की तरफ से जो गुल्लक सेवा है वो गौशाला के यहाँ की जाती है। तो आप दानी सज्जनों के लिए तालियों का सहयोग जरूर करता रहिया करेगा। समिति चिन्ह दिया जाना है। श्री रामपाल के पर आ जाए सेवा रहती है। उनकी तरफ से भी गौशाला को 1100 रुपए का सहयोग इस महोत्सव पर किया गया है। श्री सुरेंद्र कुमार जी चारण डॉक्टर कृष्णलाल जी वो भी क्या मंच इनकी भी सेवा और इस बार भी महोत्सव को विशेष मानकर दीपू चारण जी हर साल एक बोरी खल की भी गौशाला को देने का वादा कर रहे हैं। इनकी तरफ से गौशाला को है तो वो मंच पर आ जाए। श्री ब्रिजलाल जी मिस्त्री जी उनकी भी गुल्लक सेवा हमारी गौशाला को रहती है और उनकी तरफ से भी गौशाला को इस बार 1100 रुपए इस महोत्सव पर भेंट किए गए। तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री बंसीलाल जी स्वरूप श्री काशीराम जी जोगपाल कृपया वो भी मंच पर आ जाए। उनकी तरफ से भी गौशाला को 2100 रुपए का सहयोग किया गया है। संजय कुमार जी जोगपाल है कृपया वो भी मंच पर आ जाए। इनकी तरफ से भी हमारी गौशाला को 1100 रुपए का सहयोग इस महोत्सव पर किया जा रहा है। और जो शेड का निर्माण था उनमें भी श्री राम प्रताप जी जोगपाल जी की तरफ से 11000 रुपए का सहयोग जो छायादार शेड बना उसमें किया गया था। तो उनको भी गौशाला एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रही है। उनके फादर साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हम उनकी सुख समृद्धि की उनकी जो हेल्थ की भी कामना करते हैं वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। और श्री मनफुल जी पुनिया ढाणी उनकी तरफ से भी हमारी गौशाला को 5100 रुपए का जो सहयोग है वो किया जा रहा है। तो तहे दिल से पुनिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया आप भी मंच पर आ जाए। हनुमान डिपू होल्डर इनका बेटा रुदाश यहाँ पर है, कृपया वो मंच पर आ जाए। और श्री हनुमान जी डिपू जी की होल्डर जो है उनकी तरफ से भी हमारी गौशाला को 3100 रुपए का सहयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया वो मंच पर आ जाए अगर यहाँ बैठे हैं। कृपया मंच पर आ जाए अगर बैठे हैं तो। कृष्ण कुमार महारोग की अगर माता जी है उनके यहाँ पर आइए तो वो पर आ जाए कृपया। श्री देवीलाल जी रिवाड़िया साहब है, कृपया वो मंच पर आ जाए। प्लीज उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वो अगर यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी गुल्लक की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा हर महीने गौशाला को मिलती है। और इस बार भी उन्होंने कथा में इस महोत्सव पर 11000 रुपए का सहयोग हमारी गौशाला को भेंट किया है। दान स्वरूप उनकी राशि जो भेंट हुई है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर श्री देवीलाल जी रिवाड़िया साहब यहाँ पर बैठे हैं तो कृपया वो मंच पर आ जाए। श्री हवा सिंह जी पलानिया से मेरी रिक्वेस्ट है कृपया वो मंच पर फटाफट आ जाए।
इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। हर वक्त इनका सहयोग हमारी गौशाला को रहता है और 11,000 पे हमारी गौशाला को इस बार इस्तथा महोत्सव पर उन्होंने सैप्रीम भेंट किए हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर। 11,000 पे जी की तरफ से भेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं श्री मनपुर जी पूनिया से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया विपिन फौजी जी पूनिया कराएं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट श्री दयाराम पूनिया, कृपया वो मंच पर आ जाएं। भू पूनिया जी हमारे गौशाला के कमेटी सदस्य भी हैं और इनके पूरे परिवार की तरफ से हमेशा गौशाला को जब भी हम सवाल करते हैं तो कभी भी सवाल अधूरा नहीं बल्कि उसका पूरा जवाब आता है, दान दिल खोल कर करते हैं। तो तहे दिल से हम इस परिवार के बहुत बहुत धन्यवादी हैं और पूरे गांव का, एक एक परिवार का, एक एक शख्स का हम विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। हर वर्ष चाहे वो कनक की सेवा की बात हो, चाहे मंथली हमारे सेवादार जो गौशाला को भेंट करते हैं हर महीने अपनी नेक कमाई में से, जो दानी सज्जन जो हमारे गांव से गौशाला को दान करते हैं, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो श्री मनपुर पुनिया जी को भी एक स्मृति जो चिन्ह है वो गौशाला कमेटी की ओर से भेंट किया जा रहा है। और अब आपने मन को एकाग्र करते हुए श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण करना है और अब हम एक नारे के साथ पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य पंडित रवि भाई सारस्वत जी बोलिए, गौ माता की।
ने ताली के तीन कारण बताए थे कि नहीं बताए, बड़ा फायदा होता था। कई लोग तो ऐसे में आए हैं, पता नहीं की हो गया, ऐसे ना करें भाई, प्रेम से भाव से बैठे, आनंद में बैठे, गो माता की शरण में बैठे, स्वर्ग में बैठे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। आहुति देवोति और प्रसूति का यह प्रसंग बड़े प्रेम से भाव से परीक्षित जी ने सुना श्रवण किया। उन्हीं के दो पुत्र हुए थे मनु सुरूपा के, उत्तानपाल और प्रियव्रत। उत्तानपाल की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। क्या नाम था जी? सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी जो थी सुनीति, सुनीति के यहां कोई संतान नहीं हुई तो महाराज ने दूसरा विवाह करवा लिया सुरुचि के साथ। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इस कथा का सार समझना चाहें तो उत्तानपाल कोई और नहीं है, हम सभी जो बैठे हैं जब जन्म होता है तो ऊपर पाप होते हैं नीचे सिर होता है, उत्तानपाल। साथ में होती है पहली प्रवृत्ति होती है सुनीति। सुनीति मतलब शुद्ध भाव, तो शुद्ध होता है, किसी को नहीं जानता मौन का, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा है तो सुरुचि के साथ मिल जाता है। सुरुचि मतलब मन की रुचि के साथ, तब वो सुनीति से कोई
फल ना मिले तो ये जीव के रास्ते पर मन की रुचि के साथ में सुरुचि के साथ चलना प्रारंभ कर देगा। सुनीति से पुत्र नहीं हुआ, फल नहीं मिला, इसलिए महाराज ने सुरुचि के साथ में विवाह कर लिया। अच्छा, सुरुचि जो आई वो ऐसी पत्नी थी कि महाराज उसके मन में ईर्ष्या सदैव भरी रहती थी, द्वेष सुनीति के प्रति सदैव भरा रहता था। उसकी ये इच्छा थी कि कैसे ना कैसे करके मैं सुनीति को घर से बाहर निकाल दूं, तो ये राजगद्दी संपत्ति सब मेरी हो और मेरे आने वाले पुत्र की हो। सुनीति को घर से बाहर निकालने का अन्य प्रयास भी किया, लेकिन सुनीति घर से बाहर नहीं निकली। सुनीति ने कहा महाराज से कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप दासी बना करके रख ले, लेकिन मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे ये राजपाट भी नहीं चाहिए, ये संपत्ति भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सुनीति के द्वारा कहे गए कथन को सुरुचि को कहा कि वो दासी बन करके रहना चाहती हैं तो तुम्हें दिक्कत कहां है, तुम उसे रहने दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ मात की जय। सुरुचि ने प्रयास तो किया सुनीति को बाहर निकालने का, लेकिन बाहर नहीं निकली। आखिरकार भगवान की कृपा ऐसी हुई, महाराज सुनीति से भी प्रेम करते थे, पहली पत्नी है, सुरुचि से भी प्रेम करते, सुरुचि के साथ में स्वास्थ्य जुड़ा हुआ था कि वंश को आगे बढ़ाना है, राजपाट उसे प्रदान करना है, तो सुरुचि के साथ में ज्यादा रहते, सुरुचि के वश में ज्यादा रहते, सुरुचि जैसा कहते ही महाराज वैसा ही करते। सुनीति से भी प्रेम है, यदा कदा महाराज सुनीति के पास में भी जाते और कुछ बातें वहां बैठकर उनके साथ में भी करते, लेकिन सुरुचि बार बार रोक देती कि वहां क्यों जाते हैं, उनके पास में क्यों जाते हैं। समय बीता, समय के साथ में भगवान की अनन्य कृपा हुई कि सुरुचि गर्भवती हो गई। अच्छा, सुरुचि गर्भवती हुई और ठाकुर की कृपा ऐसी हुई कि सुनीति भी गर्भवती हो गई। अब सुरुचि के मन में ये इच्छा थी कि मेरी सोच ये गर्भवती होगी तो इस कार्य के लिए तो मुझे लेकर के आए थे वंश को बढ़ाने के लिए, अगर वही कार्य पूर्ण हुआ सुनीति के द्वारा तो फिर मेरे से प्यार कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा और मेरे बालक से भी प्रेम कम करेंगे, इसलिए महाराज सुरुचि के पास में ज्यादा रहने लगे। सुरुचि उनको भड़का करके रखती और अपने पास में रखती, सुनीति के पास में जाने नहीं दी। समय बीता, समय के साथ में सुनीति के भी पुत्र हुआ, सुरुचि के भी पुत्र हुआ। सुनीति के जो पुत्र हुए वो परम भागवत भगवान के भगत हुए, जिनका नाम था ध्रुव। क्या नाम था जी? ध्रुव। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे। सुरुचि महाराज के साथ में सिंहासन में बैठे रहते हैं, सुनीति को पास में भटकने भी नहीं देते, महाराज को अपना पुत्र प्रदान करते रहते हैं। जब भी ध्रुव को गोद में लेने की बात आए तो टोक देती कि महाराज खबरदार, अगर आपने उनको गोद में उठाया तो मैं पिए चले जाऊंगी, मैं यहां से चले जाऊंगी। महाराज फंसे दोनों में, अब ना इधर के ना उधर के, क्या करें क्या नहीं करें, समझ से बाहर हो गया। धीरे धीरे करते हुए दोनों पुत्र बड़े होने लगे। सुरुचि से ज्यादा प्रेम है और सुरुचि के पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करने लगे। 5-5.5 वर्ष की आयु हुई उत्तम की और वर्ष कांड आई। माताओं बहनों से सभी से निवेदन है कि बात ना करें मेरे बीच में, माताओं बहनों से सभी से पीछे भी निवेदन है। कुछ माताएं बहने आपस में बातें लगी रहती हैं, सासराओं का दाई पीर कंजी सी असूख तो बड़ो सुनो पेड़े वो बात बाद में कर लिया, निवेदन है शांति बनाए रखे, शांति का दान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की गौ मात की। पांच वर्ष की आयु हुई कि वर्षगांठ मनाने लगे। वर्षगांठ मतलब जन्मोत्सव। ध्रुव ने देखा तो मां से पूछा कि मां आज भैया का क्या उत्सव है जो इतनी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो खूब नाच रहे हैं,
और बाहर से जो भी आ रहा है वो बाहर प्रदान कर रहे हैं भैया को, और पिताजी बड़ा लाड कर रहे हैं। तो माँ सुनीति ने कहा कि बेटा आज तुम्हारे भाई का जन्मोत्सव है। ये बात जैसे सुनी कि जन्मोत्सव है तो ध्रुव ने भी विचार किया कि इतना लाड इतना प्यार इतने उपहार मिल रहे हैं तो मेरा जन्मोत्सव आएगा तो माँ इसी प्रकार से मनाएंगे। तो माँ सांत्वना प्रदान करती है कि हाँ बेटा जब जन्मोत्सव आएगा तुम्हारा इसी प्रकार से मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। कैसे ना कैसे मैया उसको बात को टालती रहती। समय आया, समय के साथ में ध्रुव का भी जन्मोत्सव आया। माँ ने सुंदर सजाया, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, चिटोना लगाया और उंगली पकड़ करके मैया गौशाला में ले गए। गौशाला में जाकर के गौ माता की परिक्रमा करते हैं, दिया जगाते हैं और तुला दान करते हैं। तुला दान करते हुए गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हे गौ माता, आज मेरे पुत्र का जन्मोत्सव है। कहने को तो जन्मोत्सव है लेकिन मेरे पुत्र की आयु कम हो रही है, इसलिए आप आशीर्वाद दें ताकि ये दीर्घायु हो। आज हम लोग भी घर में उत्सव मनाते में कई बार देखता हूँ, आजकल तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है, उत्सव मनाते हैं तो कोई केक काटते हैं, काटते कि नहीं काटते हैं? बेटे का जब वो आता है क्या बोलते हैं, बर्थडे, बेटे पोते का जन्मदिन आया और हमने वो मनाया, वो केक काटा, और केक काटने पर केक काटने से पहले वो मोमबत्ती या दिया वो फूक मार करके बुझाते हैं, नहीं नहीं। हमारे यहाँ तो प्रथा थी, हमारे सनातन धर्म के अंदर वैसे भी हर जगह हमारी ये प्रथा है कि हम अपने घर में दिया जलाते हैं, दिए को बुझाते नहीं हैं, पर हम अपने स्वयं ही अपने बच्चों को कहते हैं फूक मार बेटा दिया बुझा घर का, नहीं, और ऊपर से बोलते और हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे। एक समझ से बाहर है कि हैप्पी कहां से हुआ और रिटर्न डे कैसे हुआ, ये मेरी समझ से बाहर। आप मेले में जाएं, ये पाश्चात्य कर्म जो हम लोग करना प्रारंभ कर दिए ना, वो हमको मूर्ख बना गए और हम ऐसे मूर्ख हैं कि उनकी प्रथा को आज भी लेकर के चल रहे हैं। पाश्चात्य जो दूसरे देशों की उनकी प्रथा को लेकर ये चलते हैं और देखा देखी करते हैं, जैसे अंग्रेज करते थे वैसे अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें प्योर मूर्ख बनाते थे और वो चले गए लेकिन फिर भी पीछे छोड़ गए मेरे को लगता है मूर्खों को, और बोल रहे हैं। जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, थोड़ा शास्त्रों को पढ़े आप कैसे मनाना चाहिए, हमारी प्रथा क्या थी और हमने क्या प्रारंभ किया। साधारण आपकी जेब में हो, मेला देखने के लिए आप जाएं, क्या देखने जाएं, मेला, जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए, 100 रुपए जेब में है, वहां मेले करके 10 रुपए खर्च हो गए, फिर 1-1 रुपया हमने चारों और कुछ सामान इत्यादि लिया, फिर 20 रुपए खर्च हो गए, ऐसे करते हुए पैसे खर्च हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। अच्छा, पैसे बढ़ रहे हैं कम होते हैं, खर्च करते हैं तो क्या होता है, कम हो गया। तो हैप्पी बर्थडे कैसे हुआ ये समझाइए जरा। हमारे बच्चे की उम्र बड़ी है या घटी है, 100 में से 10 गए तो कितने रह गए, बोलो 90, अब 90 में से मारा फिर वो 10 गए, 20 साल का हो गया, अब 100 साल उम्र है तो 20 साल गए तो कितनी रह गई। तो धन धन जो है वो धन घटता है तो आप खुशी मनाते हो, हैं? रुपया घटता है अपनी तिजोरी से तो क्या खुशी मनाते हो, हैं? बोलो, अरे उस समय तो शोक मनाना चाहिए कि भाई हमारे जीवन में से 1 साल गया, हमारे बच्चे के जीवन में से 5 साल गए, हमारे बच्चे के जीवन में से 10 साल गए, विचार करना चाहिए उन बातों को, बढ़ नहीं रहा वो घट रहा है। ये जो बोलते हैं ना मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स किसे कहते हैं कि बीता हुआ कल आ गया,
बिता हुआ दिन आ गया। कैसे आ गया भाई? हमारी जीवन यात्रा की गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर नहीं है, बैक गियर नहीं है, आगे का ही गियर है, पीछे का लगाना ही भूल गए भगवान। आगे का ही गियर है। और बच्चे का जब जन्मोत्सव हो तो यहां मैया गौशाला में लेकर के गई, तुला दान करवाया। और जब भी घर में बच्चे का, पोते का जन्मोत्सव हो तो माताओं बहनों से, भाई बहनों से, सभी से निवेदन है। वैसे तो माताओं बीएड की हुई आती है ना, गड़बड़ इन्हीं के द्वारा होती है ज्यादा, चौंचले इन्हीं को आते हैं ज्यादा। बुरा नहीं मानना वैसे है, मैं पूरा वाले नहीं करते ऐसे भाई। यहाँ की माताएं मैंने सब बढ़िया है, वो जैसा देखती है बोले एवं होना चाहिए, मुझे जन्मदिन आ जाता है एवं होना चाहिए, बेटे का जन्मदिन आ रहा है ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग ऐसा मनाना शुरू कर देते हैं। नहीं भैया, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? जब बेटे का जन्मोत्सव आए, जैसे मैया सुनीति लेकर के गई है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ शास्त्र कि वहां गौशाला में लेकर के गई मैया और दीपक जलाया, कहा गौ माता के सम्मुख, क्योंकि मैया जानती है 33 कोटि सभी देवी देवता जो है गौ माता के अंदर विद्यमान है, और इनका आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा की है और परिक्रमा करने के पश्चात तुला दान करवाया है। तुला दान का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भार हो तो वो भार उतर जाए। कोई राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बृहस्पति हो, कुछ भी चढ़ा हो। कई लोग कह देते हैं ना कि भाई राहु की दशा बहुत है, ब्राह्मणों के पास में आते हैं हम जैसे, तो हमें कह देते हैं कई बार, तो हमारे दुकानदारी के ये 3-4 बंदे हैं बड़े परफेक्ट, राहु है, केतु है, शनि है। अच्छा, दशा दशा तो लगती है, इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन दशा को उतारने के लिए फिर हम लोगों के पास में फिर मंत्र होते हैं, उसको हम उतारते हैं, तो 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए लगवा देते हैं। उसके बाद में आप खारो उतरे नहीं उतरे, मारो तो है उतरे मारो नहीं, नहीं। तो दशा पर लगती है, इसमें कोई दोरा नहीं है, क्योंकि ज्योतिष कांड भी बहुत बड़ा कांड है। लेकिन उस दशा किसी प्रकार की दशा लगे ही नहीं, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो किसी के ऊपर वो हो, कोई रोगी हो, उसका रोग नहीं जाता हो, तो वो गौशाला में आए, तुला दान करवाए। तुला दान किसका करवाए? या तो गुड़ का, पीले रंग का गुड़ का, और या फिर गेहूं का करवाए। समझ में आ रही है? गेहूं का जितना वजन है उतना गेहूं जो है उसको दला करके गौ माता के लिए आप उसको भेंट करें, तो किसी प्रकार का कोई भार रहेगा। बोले गौ माता की जय। 1000 रुपए, 2000 रुपए बर्थडे पर लगा देते हैं, केक पे लगा देते हैं, व्यर्थ की बातों पे लगा देते हैं, डीजे भी लगाते हैं, कई लोग तो नाचते हैं, और वो नाचते भी देखो गंदे गंदे गानों पर नाचते हैं, माताएं बहने भी नाच रही हैं गंदे गंदे गानों पर, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसे सुने तो शर्म आती है। वो अभी एक नया नया गाना चला है, तनु करावा पता की करावा, हाँ चला है, मुझे वो आता नहीं, मुझे सुना था अभी, मैं आ रहा पीछे कहीं तो वो डीजे पर तनु ऐश करावा, ऐसे ऐसे कर दिया जो भी है। उसका अर्थ है कोई, और उसी पे नाच रहे दादा है, ससुर भी नाच रहा है और बहू भी नाच रही है। बोलो बोलो, सुने तो लज्जा आती है, शर्म आती है कि ये क्या गाना है। चार बन गए, थाली ना बनाया था, बन तो थे, चाल तो बन जाती है, इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन ये हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा विचार करें, हमारी सनातन संस्कृति कहाँ जा रही है? जो बहू ससुर के सम्मुख आने में भी शर्माती थी, आज वो सास, वो ससुर और बहू नाच रहे हैं, तो ये क्या संदेश है जो हम लोग दुनिया को देने जा रहे हैं? अपनी संस्कृति को हम मिटा रहे हैं। आने वाला समय जो होगा वो बड़ा कठिन होगा, ये ध्यान रखना।
सफल क्या है तो बढ़िया बात है। मैया गौशाला में लेकर के गई, उसके पश्चात साधु संतों के डेरों में गई, वहां जाकर के अन्न का दान किया, सभी को भोजन प्रसाद करवाया और सभी से आशीर्वाद कहा कि बच्चे की उम्र कम हो गई है तो आशीर्वाद प्रदान करें। सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया कि दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, जिस दिन जन्मोत्सव हो बड़े बुजुर्गों के चरणों में वंदन करवाए, साधु संतों महात्माओं के ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करवाए, गो माता के श्री चरणों में वंदन करवाएं, ताकि खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हो और कहें आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, निरोगी भव, आप निरोगी रहें। लेकिन उल्टा काम करना चालू कर दिया। मैया लेकर के गई तो ध्रुव ने पूछा कि माँ आज क्या है जो आप कभी गौशाला, कभी साधुओं के पास, कभी मंदिर में ले जा रही हैं? तो मैया ने कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मोत्सव है। ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न भए ध्रुव, और ध्रुव ने कहा कि माँ आज मेरा जन्मोत्सव है तो पिताजी मुझे गोद में उठाएंगे और जैसे ढोल नगाड़े बजाए थे वैसे वो भी बजाएंगे और मुझे भी उपहार मिलेंगे। अब मैया क्या कहे और क्या ना कहे कि पिता की गोद तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक सुरुचि पास में बैठी होगी। माँ ने सांत्वना दी, हाँ हाँ बेटा ऐसा ही होगा कि ये भूल जाएगा दो चार मिनट के अंदर। उंगली पकड़ करके जैसे महल में वापस लेकर के आई तो ध्रुव भूला नहीं, ध्रुव ने हाथ छोड़ दिया और छोड़ करके राजसभा में चल पड़ा, दौड़ा। राजसभा के अंदर संबोधित कर रहे थे महाराज और पास में सीढ़ियां चढ़ते हुए, पिताजी 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 आज मेरा भी जन्मोत्सव है, जिस प्रकार आपने भैया का जन्मोत्सव मनाया था उसी प्रकार मेरा भी जन्मोत्सव मनाइए और मुझे कि पास में बैठी हुई सुरुचि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के सुरुचि ने ध्रुव को लात मार दी और ऐसे वचन कहे, बालोसि वचनात् मां मन्यः स्त्री गर्भ संकृतम नूनम वेद भवानस्य दुर्लभेति मनोरथः। बालोसि वचनात् मां मन्यः, तेरा दुर्भाग्य है जो तूने मेरी सोत के गर्भ से जन्म लिया। अगर अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए तो तू जाकर के तप कर, भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मेरा दूसरा जन्म हो और दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो तो जाकर के पिता की गोद तुम्हें मिलेगी, अन्यथा इस जन्म के अंदर तुम्हें पिता की गोद नहीं मिलेगी, भाग जाए यहां से। ध्रुव बिलखता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा, आंखों में आंसू, और मैया ने इतने कटु वचन कह दिए ध्रुव को, ध्रुव रोता हुआ महाराज सिसकियां भरता हुआ अपनी माँ के पास में गया। माँ ने गोद में उठाया, पूछा बेटा क्या हुआ, तो रुंधा हुआ गला था, कुछ बोल नहीं पाया कि मंत्री पुत्र ने आकर के कहा कि इस प्रकार से कटु वचन कहे कि तू जाकर के तप कर, मर जा और अगला जन्म हो तो भगवान मिले तो वर मांगना कि मेरी गोद से जन्म हो तो पिता की गोद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसी बातें मैया ने कही, मंत्री पुत्र ने जब बताया तो मां की आंखें भी भीग गई। मां ने भी मन में विचार किया कि मेरे बेटे ने बिगाड़ा क्या है, फिर विचार किया कि अगर मैं सुनीति के सुरुचि के बारे में कुछ कह दूंगी तो हो सकता है कि कल को मेरे बच्चे के बेटे के मन में भी ईर्ष्या भर जाए, द्वेष भर जाए, और ये बीज अगर मन में होगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, शत्रुता भी बढ़ेगी, ये ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ दुख भोग रही हूँ, सो भोग रही हूँ, आज मैं अपने पुत्र को ज्ञान प्रदान कर दूंगी, जो होगा इसके साथ ही देखा जाएगा। सुनीति की आंखों में आंसू देख ध्रुव ने कहा कि माँ क्या आप उनकी पत्नी नहीं है, मैं उनका पुत्र नहीं हूं। फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? बोले माँ ने क्या कहा, बोले तू जाकर के तप कर, भगवान को प्राप्त कर, मर जा और मेरी गोद से जन्म लेना। माँ सुनीति कहती है कि बेटा जो कुछ आज तक मैं तुम्हें नहीं कह पाई, बता नहीं पाई, वो आज तुम्हारी सौतेली माँ ने कह दी, छोटी माँ ने कह दी। क्या माँ?
बोले अगर तुम मेरी बात मान ले और छोटी माँ की बात मान ले ना बेटा, तो मैं तुझे इस पिता की गोद में तो नहीं बिठा पाई, लेकिन परमपिता की गोद में अवश्य बिठा दूंगा। परमपिता वो कौन है? बोले बेटा जो इस संसार से सभी से प्रेम करता है, कोई उससे प्रेम करे ना करे, लेकिन उसकी गोद में जो कोई जाता है वो सभी से प्रेम करता है। परमपिता बोले कौन? इससे भी बड़ा पिता है, कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो है नहीं, लेकिन अगर तुम प्रेम से यहाँ से जाओ और एकांत में कहीं मन में जाकर के पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार को सुन करके वो परमपिता आ जाएगा। ध्रुव ने कहा कि माँ तो सत्य कह रही है, इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। परमपिता से मिलने के लिए मैं वन में जाऊं? बोले हाँ बेटा, तू एकांत में जाकर के पुकारेगा, अब तेरी पुकार को सुनकर के आ जाए। माँ ने मन में विचार किया कि इसको यहां से भेज दे, जहां भी जाए जहां भी रहे जिए मरे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने कम से कम ये दुख ना भोगे। पर माँ आपको पता है अपना दुख तो सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे का दुख कभी माँ सहन नहीं कर पाती, जो होगा सो देखा जाए। ध्रुव वहां से चलने लगे तो माँ से कहा कि माँ तू सत्य कह रही है, मैं जा रहा हूं परमपिता से मिलने के लिए, और अगर अगर वो मिल गए उनके दर्शन मुझे हो गए तो मैं वापिस लौट के आऊंगा तेरे पास, और नहीं तू झूठ बोल रही है और वो मुझे नहीं मिले तो तू अंतिम बार मेरा मुख देख ले, मैं लौट करके नहीं आऊंगा। जो बच्चा जो पुत्र अपने माँ को ये कह करके जाए कि तू अंतिम बार मेरा मुख देख ले मैं लौट करके नहीं आऊंगा, उस माँ पर क्या व्यतीत होती होगी ये वो माँ ही जान सकती है। ध्रुव वहां से चल पड़े, एक एक कदम चलते जा रहे हैं और मां की आंखों से आंसू टपकते जा रहे हैं। जब ध्रुव आंखों से ओझल हो गए तो मैया नीचे गिर गई और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु हे नाथ हे कृपा निधान, मेरे वचनों को सत्य मान करके मेरा पुत्र आपसे मिलने के लिए आपके दर्शन करने के लिए आ रहा है, एक माँ की वचनों की लाज रख लेना। माँ हो तो सुनीति जैसी और माँ हो तो सुरुचि जैसी, सुमित्रा जैसी। राम जी को वन मिला था ये आपने सभी ने सुना, क्या लखन को भी वन मिला था? वचन में ये भी था भी लखन भी जाए वन में नहीं, लेकिन जब लखन को पता चला और माँ के सम्मुख गए माँ सुमित्रा के सामने, तो माँ सुमित्रा ने क्या कहा? माँ सुमित्रा कहती कि मैंने तो जन्म ही राम की सेवा के लिए तुझे दिया है बेटा, मेरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, वहीं से चला जाता था, किसने मना किया था तुझे, और भेज दिया आपने पुत्र। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो तू बांझ भली काहे गवावे मूल। माँ हो तो सुमित्रा जैसी और माँ हो तो सुनीति जैसी, जो बचपन के अंदर ही अपने बच्चों को भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा दिया कि सेवा करते ही अपने जीवन का निर्माण करना यही परम धर्म है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, अरे बच्चों को जन्म देते हैं हम, या तो उसे भक्त बनाने की कोशिश करो, भगवान के श्री चरणों में लगाने की कोशिश करो, संतों के चरणों में लगाने की कोशिश करो, सेवा का भाव उनमें जागृत हो ऐसे संस्कार उन्हें प्रदान करो। के दाता के शूर, द्वार पर कोई आ जाए तो अपने बच्चों से एक ही बात कहो कि जो भी द्वार पर आ जाए वो खाली ना जाए, हाथ का उसका उत्तर दे, आधा है थोड़ा है थोड़ा है, तो थोड़े में से थोड़ा प्रदान करें लेकिन खाली ना जाए। के दाता के शूर, या उसे शूरवीर बनाने की कोशिश करो कि वो समाज की देश की सेवा करे, उसे वीर बनाओ, धर्म के प्रति मर जाना या मारना
बस ये लक्ष्य हो, धर्म से पीछे नहीं हटना। आज दो लोग ही हैं जो सच्ची सेवा संसार की करते हैं, हमारी करते हैं, देश की सच्ची सेवा दो लोग ही कर रहे हैं विशेष रूप से देखा जाए तो। कौन से? एक तो वो साधु वो संत जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए अपने लिए, जो दुनिया के लिए जीते। कल परसों हम लोग प्रधान जी के साथ में गए थे बाबा जी के पास में, श्री कैलाश नाथ लाल बाबा जी के पास में प्रसिद्ध हैं, उनके पास में गए तो वहां जाकर के इतना आनंद मिला। प्रधान जी रास्ते में बता रहे थे हमारे जसकर जी कि प्रति वर्ष ये बहुत सी गायों के लिए ये चारा भेजते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन के लिए निर्माण करते हैं, भक्ति करते हैं, आशीर्वाद भी दूसरों के लिए प्रदान करते हैं कि भाई ये सदैव ये संसार बढ़ता रहे, सुखी रहे, सुख शांति इनके घर में बनी रहे। तो ये साधु संत ही चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति ये नहीं चाहता कि ये सुखी रहे। आज का जमाना ऐसा है, अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरों के सुख को देख करके ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन एक साधु है, एक संत ही होता है, एक माँ ही ऐसी होती है जो जो सुखी देखना चाहती है। एक वो साधु संत और दूसरा कौन, जो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक जो हैं, वो सच्ची सेवा कर रहे हैं। यहां भी अभी फौजी भाई का नाम लिया, मेरे को याद आ गया फौजी के नाम से। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं ना, आजादी की सांस ले रहे हैं, ये उन लोगों के कारण, उन फौजी भाइयों के कारण हम लोग ले रहे हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, 2400 घंटे वहां निरंतर खड़े रहते हैं हमारी सेवा के लिए कि कोई ऐसा प्रवेश ना कर जाए जो मेरे देश को हानि पहुंचा जाए। अगर वो ना हो तो हम ये खुली सांस ले नहीं सकते। आभार है उन माताओं का, उन वीरांगनाओं का जिन्होंने अपने बच्चों को देशभक्ति के लिए तैयार किया, और महाराज आज वो बॉर्डर पर खड़े, न जाने कब किसकी दुश्मन की गोली या छाती चीर जाए, कोई भरोसा नहीं है। फौजी जब घर से जाता है ना तो माँ उसे आतुरता से देखती है, आने का पता नहीं वापिस आएगा कि नहीं आएगा। पता नहीं आज तारीख कितनी हो गई, आज तारीख कितनी हो गई, 12, परसों 14 फरवरी, 14 फरवरी आज की युवा पीढ़ी कैसे मनाती है आपको पता है? 14 फरवरी को क्या है बताएगा कोई? बोलो भाई, ये वैसे भी ब्लैक डे का मैसेज कम ही आता है बेटा, वैलेंटाइन डे के ज्यादा आते हैं। नहीं, 14 फरवरी को आज की युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है, लेकिन वो भूल गई पुलवामा जो हमला हुआ और उसमें 40 हमारे फौजी भाई चीतरे चीतरे उड़ गए, पता नहीं चल रहा था कि किसका टुकड़ा कहां पड़ा है कहां नहीं। उस दिन श्रद्धांजलि कम लोग देते थे, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, हमारे लिए शहीद हुए, उनको याद कम किया जाता है। और आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, आज अभी आए थे वो, क्या नाम था उनका जो बता रहे थे, अभी जो आए थे वो जो देश के अपने अपने युवा पीढ़ी के लिए कह रहे थे कि नशे में जा रही है, पर वास्तविकता यही है कि वो नशे में ही जा रही है। हाँ, कुलदीप सिंह
बहुत बढ़िया बात कह के गए, भटक रहे हैं हम लोग। नशा चढ़ाना है तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भांग दतूरा कायरा जो उतर जात पर भात, नाम कुमारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। नशा चढ़ाओ तो उसका चढ़ाओ। अभी तीन दिन से दो दिन से बड़े भाई के बोले गुरु जी बंद हो गया। मैंने कहा क्या बंद हो गया? बोले सारे मोबाइल आईसीयू में है, नेट बंद हो गया ना, मैसेज करने तक बहुत से क्या करें, देखने भी थे भेजने भी होते हैं। बात भी सही है, परेशान तो है ही, लेकिन सदुपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, दुरुपयोग करें तो बहुत बुरी बात है। कभी उनको भी याद कर लिया करो, दो देश के लिए शहीद हुए। अभी राम मंदिर बना, आसानी से नहीं बना राम मंदिर, बहुत 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 से भक्तों ने शहीदी दी है। हमारे कोठारी बंधुओं के, बीकानेर के दो कोठारी बंधु थे, श्याम जी एक राम जी, उनका नाम भी श्याम जी राम जी था। एक ही माँ के दो बेटे थे और वो दोनों के दोनों वहां शहीद हुए थे इस मंदिर के लिए। ये आसानी से नहीं, हमने तो उत्सव मनाया उस दिन, पटाखे बजाए हैं या नहीं बजाए भाई? हमने तो पटाखे बजाए उसके अंदर, लेकिन उन लोगों को हमें याद रखना चाहिए था जिन्होंने शहीदी प्रदान की देश के लिए, जो इस संसार को छोड़ करके चले गए हमारे लिए। माँ हो तो सुमित्रा जैसी, माँ हो तो सुनीति जैसी, जिन्होंने बचपन के अंदर अपने बच्चों को भक्त बना दिया। ध्रुव जब गए रास्ते के अंदर नारद जी मिले हैं, नारद जी परीक्षा लेते हैं कि बेटा अभी तो तुम छोटे हो, अभी बहुत समय पड़ा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के लिए, तो अभी क्यों? तो ध्रुव ने बड़ा सुंदर उत्तर प्रदान किया, बोले माँ तो कहती है कि कल आएगा नहीं आएगा, भक्ति आज ही से प्रारंभ करनी चाहिए, अभी से प्रारंभ करनी चाहिए, और आप कहते हैं कि कल, कल नाम तो काल का माँ बताती है। तो नारद जी ने दृढ़ता को देखा तो नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कोई ज्ञान है भगवान को प्राप्त करने के लिए, कोई मंत्र है, कोई जप है? बोले मेरे पास कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं है, आप मिल गए हैं तो आप ही गुरु बन जाइए, आप ही मुझे कोई उपदेश प्रदान कर दें कि मैं कौन से रास्ते पर चलूं। नाव है लेकिन केवट नहीं है तो हम नदी पार नहीं कर सकते, केवट चाहिए। उसी प्रकार हो सकती, ये विशेष ध्यान रखना। और गुरु कहते ना, पानी पिए छानकर गुरु करे जानकर। जो गुरु, एक बात और भी बता दूं, जो गुरु अपनी बात की तो प्रशंसा करे और दूसरे के शास्त्र की निंदा करे वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सा शास्त्र बताता है निंदा करना, बताओ भाई? क्यों खालसा जी गुरबानी में लिखा निंदा करो? कौन सा पंथ, कौन सा संत बताता है कि दूसरे की निंदा करो और अपनी प्रशंसा, मैं सही हूं बाकी सब गलत है? पथ भ्रष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको गुरु बनाए, गुरु नहीं बनाए, गुरु बनाए तो जान करके बनाए महाराज। जो दूसरों की निंदा में अगर लगा हुआ हो और अपने आप को सिद्ध करना चाहता हो कभी गुरु नहीं हो सकता। निर्गुण है सो पिता हमारा, कबीर जी कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है मैं तारी, अरे किसको निंदे किसको वंदे, दोनों पलड़ा भारी। पलड़ा दोनों का भारी है, निर्गुण है वो भी पिता हमारा है और सगुण जो है वो भी माँ की तरह है, जो दिखाई दे रहा है वो माँ है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो पिता है। गुरबानी में कहते हैं गुरु पाणी पिता माता धर्त माता, क्या मतलब हुआ इस बात का?
तो निर्गुण है वो पिता है, सगुण जो है वो माँ महतारी है, तो दोनों का पर्दा भारी है। दिखाई दे रहा है वो भी सत्य है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी सत्य है। हवा आपको दिखाई देती है, हवा चलती है आपको दिखाई देती है, इसका मतलब हवा नहीं है। और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो गया, साइंटिस्ट हो गया, आज तक हवा को देख, वायु को देख पाया? पुषे गंधम तिले तेलम काष्ठे अग्नि धृतमा इक्षो गुणम तदा देहे पश्यात्मा विभक्तः। भागवत में लिखा है जैसे फूल के अंदर खुशबू है, तो फूल तो दिखाई देता है, क्या खुशबू दिखाई देती है? तो क्या कहेंगे भी खुशबू है ही नहीं, इसका मतलब खुशबू है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। हर तिल में तेल है, लेकिन तिल के अंदर तेल दिखाई देता है? गुड़ में मिठास है दिखाई देती है, चखने से ही पता चलता है। उसी प्रकार से देह पश्चात्मा विभक्ता, हर देह के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, कोई देह ऐसी नहीं जिसके अंदर परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, सभी के हृदय के अंदर परमात्मा जो बसा वो एक है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वृंदा में लगे हुए कुछ लोग, और फिर भी समझ नहीं आ रही, लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। व्यापानम भुजंगानाम केवल विश्वर्धनम, उपदेशो ही मूर्खानाम, मूर्ख का उपदेश हमेशा लेकर के डूब जाता है भैया। इसलिए एक सदे सब सदे सब साधे सब जाए, एक के पीछे चलो। जो पुराणिक है सनातन संस्कृति हमारी, और सनातन शास्त्र जो है वो पुराणिक है, दो दो चार होते हैं, कोई गणितकार उसे काट नहीं सकता। उसी प्रकार शास्त्र में लिखी हुई, गुरबाणी में लिखी हुई बात को इस दुनिया में कोई काट नहीं सकता, लेकिन काटने में लगे। और हम लोग महाराज उन्हीं के पीछे चले, पर ज्ञान फिर भी पूर्ण नहीं, अधूरा ज्ञान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लो मात की जय, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन गुरु कौन होना चाहिए? जो सही राह आपने को दिखाए, किसी की निंदा न करे, सभी के भीतर परमात्मा है ये बताए, हर जीव में परमात्मा है इसमें कोई दोरा नहीं। अरे नामदेव ने तो कुत्ते में पा लिया भाई, है शास्त्र में तो चलो हो सकता है भगवान नहीं है बताने में ठीक नहीं है, लेकिन नामदेव ने के रोटी नामदेव ने पकाई और कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा, अच्छा कुत्ता दौड़ रहा है कहीं मेरे को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन वो तो महाराज अंदर घी लेने के लिए गए थे, पीछे से कुत्ते ने रोटी उठा ली, तो नामदेव जी घी का कटोरा लिए कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं कि आज मेरे भगवान भोग लगाने के लिए आए कुत्ते के रूप में। और नामदेव जी ने कहा, अरे संतों ने कहा कि रोटी नामदेव ने पकाई कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, प्रभु रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, जल जल में वो बैठा है तो किसको निंदे भैया और किसको वंदे, दोनों पर डाला है। तभी तो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। और आज खालसा जी आए तो कल मैंने कहा भी था, गुरु ग्रंथ सम्मानी वाकी गुलाकी दे, जो वाणी है वो असत्य नहीं सकती, कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद Thank you.
कई
ज्यादा परमात्मा को जीव से मिलने की होती है। माँ जाए अपने बच्चे को मेले में लेकर के, पर अचानक मेले में बच्चे का हाथ छूट जाए और वो बच्चा मेले में खो जाए तो ज्यादा तड़प किस में होगी, बच्चे के मन में माँ से मिलने की होगी या माँ के मन में बच्चे से मिलने की होगी? बोलो भाई, माँ के मन में। उसी प्रकार हम भगवान के तो संतान हैं, तो जितनी तड़प हम रखते हैं उससे हजार गुना ज्यादा भगवान करते हैं। तो एक बार तो मुझे याद तो कर, तो बन एक कदम चल तो सही, तू तो चलना ही नहीं चाहता, तू तो मुझे पुकारता ही नहीं। आज भगवान जैसे ही दर्शन देने के लिए आए तो पहले हृदय में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा भ्रम लिए हुए, एक पल के लिए हृदय में प्रकट हुए, आंखें बंद थी और हृदय के अंदर जैसे ही दर्शन पाए उसी क्षण एक क्षण में भगवान अंतर ध्यान हुए और विचलित होकर के ध्रुव ने आंखें खोल दी कि जो भीतर अभी मुझे दिखाई दिया वो कहां गया, वो कौन थे? और जैसे ही आंखें खुली तो क्या देखा कि सामने शंख चक्र गदा भ्रम लिए हुए भगवान खड़े हैं। देवता पुष्प सागर के बाजे काजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। निरंतर निहारते हुए भगवान को आंखें चाहती हैं कि मैं निहारती रहूं, देखती रहूं, मस्तक चाहता है कि झुक जाऊं, हाथ चाहते हैं कि करवट प्रार्थना करूं, चाहती हैं कि भगवान के लिए कुछ बोलूं, प्रार्थना कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आवानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा च भी जानामि पक्षम सब परमेश्वरा मंत्रहीनम मैं क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्युदितम मया देवा परिपूर्ण तदस्तु। ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना भक्ति जानता हूँ, ना वान है, कुछ भी नहीं आता प्रभु। तो भगवान समझ गए और भगवान ने गाल के साथ में शंख को चुभा दिया तो चार वेद छह शास्त्र और पुराण जो है वो सब कंठस्थ हो गए और ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गायन किया। बोली भक्तों भगवान की जय। भगवान ने गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके कहा कि क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। हे ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम क्या चाहते? रोम रोम रोमांचित हो गया जब गोद में लिया। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप साथ ले जाइए बस, मैं अब यहां रहना नहीं चाहता। तब भगवान ने कहा कि नहीं, तुझे लात मार के ठोकर मार करके तुम्हारी मां ने निकाला था संपत्ति की भूख के पीछे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि संपत्ति ना कभी किसी की हुई है ना कभी किसी की होगी। जिस सिंहासन के लिए उसने तुम्हें ठोकर मारी है वो सिंहासन आज के बाद तुम्हारा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। 6 महीने तुमने तपस्या की है, तप किया है, 36,000 वर्ष तक तुम इस राजगद्दी का भोग भोगोगे, ये मेरा वरदान है, वचन है। न जन्म दुखम न जरा दुखम न जाया दुखम पुनः पुनः, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, न तुम्हारे किसी प्रकार का कोई रोग आएगा और जैसे हो वैसे बने रहोगे। और सहदे ये भी आशीर्वाद है, सहदे इसी देह के साथ में मैं तुम्हें वैकुंठ बुलाऊंगा, ऐसा वचन दे करके भगवान अंतर ध्यान में। ध्रुव जब वापिस लौट करके आया, चेहरे पर इतना तेज था कि सैनिकों ने दासों ने जाकर के बताया कि महाराज आपका पुत्र वापिस आ रहा। अब 6 महीने से ध्रुव गया हुआ था, पिता की मन में भी तड़पती, न जाने कहां गया, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। और आज अचानक जब ध्रुव की बात सुनी कि पुत्र ध्रुव आ रहा है तो महाराज दौड़ पड़े, पास में सुरुचि थी वो भी पीछे दौड़ी, और महाराज ने दौड़ करके जैसे ध्रुव को देखा गले से लगाया तो सुरुचि ने सोचा कि इस समय कुछ कहना ठीक नहीं है। सुरुचि ने भी एक नाटक करते हुए कहा कि क्षमा करना पुत्र, मैंने तुझे ठोकर लगा दी थी, तभी तो घर छोड़ के गया था, मैंने तुम्हें ठोकर लगा दी थी इसलिए मुझे क्षमा करना। तो ध्रुव कहते भैया आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? बोले बेटा मैंने ठोकर लगाई थी इसलिए क्षमा मांग रही हूँ। बोले भैया अगर आपने ठोकर लगाई ना होती तो ठाकुर मुझे कैसे मिलते, आपकी ठोकर ने तो ठाकुर से मिला दिया, जमाने से ठोकर हमने खाई ना होती तो ठाकुर तुम्हारी याद
आई ना, जमाना जब ठोकर लगा देता है ना तब जाकर के ठाकुर की याद आती है, पहले नहीं आती। जब डॉक्टर जवाब दे देता है ना कि भैया आपने ऑपरेशन कर दिया, अब भगवान ही बचा सकता है, तब भगवान के सामने हम कहते हैं हे भगवान सवा मणि चुडाश्याम करे, है कि नहीं? पहला कौन दिया, होता कि नहीं होता भाई? पहले कोई नहीं लेता। जब डॉक्टर कह देता ना, डॉक्टर भी कह देता कि भाई अब भगवान ही बचा सकता है, मैंने तो दवा दे दी है, दुआ ही बचा सकती है, तो भाई दुआ पहले ही कर लो, दुआ पहले ही कर लो, दवा की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन हम लोग तो महाराज पहले विश्वास करते हैं बेटे पोते बचा लेंगे, फिर दूसरा विश्वास करते हैं धन बचा लेगा, तीसरा विश्वास कर लेते हैं डॉक्टर बचा लेगा, और जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो वापिस वही आना पड़ता है, तब जाकर के भगवान की ओर बढ़ते हैं, पहले नहीं भैया। राम नाम की औषधि जो खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं और भव रोग मिट जाए। राम नाम की औषधि जो खरी रीति से खाता, अंग पीड़ा उपजे नहीं, भव रोग। अच्छा एक बात और है, एक बात और देखिए, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट को भैया लीजिए जी, मंदिर में जाते हैं ना, कोई आयादी व्यादी होती है तो भगवान से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान से भी मांगने के लिए जाते हैं। कोई आए तो बेटा, किसी के बेटा नहीं है तो हे भगवान अगर तू बेटा दे देना तो मैं तेरे नालियां चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगी, नहीं, नहीं। कोई बीए बीएड बीएससी कर ली, नौकरी नहीं मिल रही है तो वो जाकर के नौकरी के लिए कहता है, कहती है कि भगवान अगर तू नौकरी दिला देने तो मैं तेरा जागरण लगवाऊंगा या लगवाऊंगी। अब जिसको नौकरी मिल गई छोकरी नहीं मिली, ये भी समस्या है, वो छोकरी के लिए कहता है भगवान अगर तू छोकरी दिलवा देवे शादी करवा देवे तो मैं तेरे स्वभाव नहीं करूंगा। प्यार नहीं है, व्यापार, गिव एंड टेक, पहले दो पछे दो। अच्छा पहले नहीं चढ़ाएंगे हम, ये भी तय है, पहले नहीं, पहले हमारा काम कर दो उसके बाद में, और अगर हमारा काम नहीं हुआ तो डील कैंसिल, फिर कुछ नहीं चढ़ाएंगे, सीधी बात। हाँ डील कैंसिल, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा लेकर के, अब देखो सच्ची श्रद्धा से लोग आए, बच्चे आए, सेवा भी करते हैं, पर भगवान की ऐसी कृपा भाई कि कईयों को नौकरी मिल गई, नहीं, और भगवान की गौ माता की कृपा ऐसी भी होगी छोकरी भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, नौकरी मिल गई शादी भी हो जाएगी, चिंता नहीं करेगी, चिंता दीन दयाल को। तो भगवान गौ माता की सेवा करने से सर्वत्र सर्व हर वस्तु की प्राप्ति होती है, दुर्लभ से दुर्लभ दान की प्राप्ति होती है, ये तो तय हो गया भाई। अभी जिस गांव से आए थे, क्या नाम था गांव का, रसालिया खेड़ा, रसालिया खेड़ा की युवा पीढ़ी आई थी, वो भी बच्चे ही थे और गौ माता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ये भी बताया हमारे गुरविंदर सिंह जी ने। और उनके गांव में सबसे ज्यादा नौकरी लगी 38 बच्चों की, है ना, 38 बच्चे लगे, तो गौ माता की कृपा ही तो हुई या नहीं हुई? हमारे गांव से भी 8 बच्चे लगे तो गौ माता की कृपा ही भाई, पर भगवान करेगा, जो प्रयास कर रहे हैं प्रयास हमेशा सफल होता है, प्रयास हमेशा करना चाहिए, सेवा के साथ में धर्म के साथ में प्रयास भी अपने कर्म के लिए करते रहें, ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सेस एट लास्ट। कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोशिश करते रहेंगे तो आखिर में तो कामयाबी मिलेगी भैया। ध्रुव ने 6 महीने तक भगवान का तप किया, 6 महीने तप करने के पश्चात 36,000 वर्ष तक राजगद्दी का भोग होगा। अच्छा जी, उत्तम जो था, उत्तम जब बड़ा हुआ वो शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में शिकार खेलते हुए सिंह ने उसका शिकार कर दिया, और सुरुचि पता करने के लिए गई कि अचानक भगवान की कृपा ऐसी हुई
कि वहां जंगल में आग लग गई, जंगल से बाहर नहीं निकल पाई और वहीं जल करके रात हो गई। सुरुचि का वंश आगे नहीं बढ़ा, ध्रुव का वंश आगे बढ़ा। सुनीति और सुरुचि का अर्थ क्या है? सुनीति मतलब धर्म की नीति, सुरुचि मतलब मन की रुचि। जो धर्म की नीति के साथ में चलता है ना, उसका वंश सदैव आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो ये विचार करता है कि धर्म को त्याग करके धन के पीछे जुटा रहा हूं, तो वो स्वयं तो नष्ट होता ही होता है, उसका वंश भी समाप्त हो जाता है। धर्मो रक्षिते रक्षिता और धर्मो हतो हन्ति। धर्म के जो साथ चलते हैं और धर्म के सानिध्य में जो रहते हैं, भगवान उसकी रक्षा करता है, उसका वंश आगे बढ़ता है। और धर्मो हतो हन्ति, जो धर्म को छोड़ करके धन के ही पीछे दौड़ता है, धन को ही सब कुछ मानता है, भगवान उसका वंश तक नष्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे कई कोठियां देखी है जो करोड़पति है लेकिन कबूतर बोल रहे हैं, कबूतर बोल रहे। इसलिए ज्यादा धन के पीछे मत भागो भैया, धर्म के पीछे भागो। अच्छा, धर्म के पीछे भागोगे, धर्म के साथ में रहोगे, तो वंश तो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा। साधारण सी बात है, आप सभी किसान हैं, यहाँ तो शायद क्या बोलते हैं उसको, बाग भी लगे होंगे, कहीं बाग भी है। अच्छा, अभी सीजन भी है मूली गाजर का, वो भी आपने देखा होगा। अच्छा, मूली ऊपर होती है कि नीचे होती है? गाजर मेरे को बताए, पता नहीं है ना। अच्छा, नीचे होती है क्या? मान तो लिया नहीं थी मावा भाई, मैं कब जाऊं खेत में। कल तो वो हमारे जाटों के बच्चे आए थे साथ कमरे के अंदर, तो कह रहे थे तुझे रात की पानी की बारी है। मैं कमरे तो सोऊं भाया, मैं तो नींद ना आया। ये कह ना दे कि चले अपने वहां बातें करेंगे तो मेरे को तो बुखार चढ़ जाएगा। अच्छा, मूली नीचे होती है, गाजर नीचे, आलू प्याज लहसुन नीचे, ऊपर हरे हरे पत्ते होते हैं। पर आम आदमी को ये पता नहीं होता, हम जैसों को, कि भाई इसमें कोई फसल है या खाली घास है। ये किसान को पता होता कि मैंने क्या बिजाई की। सेठ है उसको तो पता ही है कि मैंने क्या बिजाई किया है। वो अपना फल दबा करके छुपा करके रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। मूली नीचे होती है दिखती नहीं है, गाजर नीचे दिखती नहीं है। किसान जाता है उसे उखाड़ता है, मूली उखाड़ दी, गाजर उखाड़ दिया, प्याज उखाड़ दिया, लहसुन उखाड़ दिया। अब मुझे ये बताओ कि बिना बीज होए क्या वो मूली गाजर दोबारा हो सकते हैं? आलू प्याज दोबारा हो सकता है? बिना बीज बोए हो सकता है? नहीं। अब बाग लगे हैं, कोई आम है, कहीं अमरूद है, कहीं सेब है, कहीं संतरे हैं, कितने सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं ऊपर। अच्छा, नीचे के फल मीठे नहीं होते और ऊपर के फल मीठे हैं। लोग डंडा मारते हैं तो आम का पेड़ आम देता है, डंडा मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। सेब का पेड़ सेब दे रहा है, संतरे का पेड़ संतरा दे रहा है, अमरूद का पेड़ अमरूद दे रहा है, जामुन का पेड़ जामुन दे रहा है। लोग डंडे मारते हैं तो भी वो फल देते हैं। ले जाओ भैया, क्यों? बोले भगवान हमें और देगा। क्या कहते हैं? भगवान हमें और देगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या दूसरे वर्ष उसका बीज बोना पड़ता है? बोलो, बीज बोना पड़ता है? नहीं। पेड़ को फल लगते हैं वो बांटता है, बांटता है तो दूसरे साल भगवान कहते हैं तूने बांटा है तो ज्यादा दूंगा, तो दूसरे साल उस पेड़ को और ज्यादा फल लगता है और तीसरे साल और भी ज्यादा उसको फल लगता है। ये सभी जानते हैं, उसका फल बढ़ता है घटता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो अपनी संपत्ति को छुपा करके रखते हैं, ये विचार करते हैं कि कहीं धर्म में, कहीं गौ माता में, कहीं गौशाला में लगानी ना पड़ जाए। डॉक्टरों को तो लगा देंगे, वकीलों में लगा देंगे, लेकिन धर्म के कार्य में संपत्ति नहीं लगती जिनकी, उनकी संपत्ति एक ना एक दिन नष्ट हो जाती है, उनका वंश भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अपनी संपत्ति को धर्म के कार्य में लगाते रहते हैं, वो स्वयं भी बढ़ते रहते हैं, उनके यहाँ फल भी बढ़ते रहते हैं, उनका वंश भी बढ़ता रहता है।
इसलिए तो कहा है कि चिड़ी चोंच भर, सभी बोलो साथ में, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम से ये भारत की भूमि का नाम पड़ा, भरत, भरत के नाम से भारत पड़ा। ध्रुव जब 36,000 वर्ष पूरे हुए तो भगवान ने अपने पार्षदों को विमान सहित भेजा कि लेकर के आओ, और लेने के लिए जब आए और ध्रुव विमान पर चढ़ने लगा तो मृत्यु देवी प्रकट हो गई। इतना भयंकर रूप था कि ध्रुव घबरा गए कि इतने भयंकर रूप वाली, बोले मैं मृत्यु देवी हूं, तुम क्या करने आई हो? बोले तुम्हें खाने नहीं आई, मैं तो आपके चरण की धूलि लेने के लिए आई हूं। इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको मैंने खाया ना हो, आया है तो जाएगा, उसको तो मैंने खाए खाया, लेकिन आप पहले ऐसे भक्त हैं जो सहदेह भगवान के वैकुंठ जा रहे हैं, इसलिए आपके श्री चरणों की धूली मुझे मिल जाए, आप मेरे सिर के ऊपर पांव रख करके विमान पर पांव रखें ताकि आपके श्री चरणों की धूली प्राप्त करके मैं भी पवित्र पावन हो जाऊं। ध्रुव ने जैसे ही पांव रखा और महाराज मृत्यु के ऊपर पांव रखा तो देवता भी पुष्प सागर के बाजे गाने बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज आज भी वो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की वो सबसे पहले जो तारा उठता है, टिमटिमाता हुआ सबसे तेज, वो ध्रुव तारा कहलाता है, और सप्त ऋषि जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। जो भक्त भगवान को ही समर्पित हो जाता है तन से मन से धन से, देवता भी उसकी परिक्रमा करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदवाई, ये जीवन हमें ऐसे नहीं मिला। अपना पेट तो चिड़िया भी पाल लेती है, अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी पाल लेती है, वो भी चोंच में दाना ला करके खिला देती है, चोंच से चोंच भिड़ा लेती है, प्रेम कर लेती है, या नहीं करती अपने बच्चों से दाना खिलाते हुए कभी देखो? वही कार्य करते हुए हम लोग निकल जाए तो भाई पक्षियों से अच्छा क्या काम किया, पशुओं से अच्छा क्या किया? जिसने पेट दिया उसने उसकी व्यवस्था पहले की है, इसलिए चिंता मत करो, आनंद करो और खूब खूब सेवा और दान दो, बस यही अंतिम समय में अपने पल्ले पड़ने वाला है, और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वैसे तो आप सभी दे ही रहे हैं, और कल मैंने कहा था कि खल की बोरी नाम अभी तो एक ही को नहीं आयो, एक तो आयो भाई, एक ही नाम आया, बाकी किधर गायब हो गए? हाथ तो सभी ने खड़े किए थे, चलो भूल गए होंगे मुझे ऐसा लगता है, लिखा देना आज, वैसे मैं याद करवाता रहूंगा, 3 दिन यही हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, कितने रुपए मात्र 3.5 रुपए का तो खर्चा है, साल में मांगी है ना, रोज की तो मांग ही नहीं रहे, साल में एक बोरी मांगी और वो बोरी 1300-1350 रुपए की है, उसके माध्यम से 3 रुपए बढ़ते हैं रोज के, 3-3.5 रुपए तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आपने कल 5 रुपए देने का वायदा किया था, वो यहाँ देखो कथा के अंदर संकल्प किया था, हाँ 5 रुपए हम दे देंगे, ये संकल्प किया, एक संकल्प होता है जब हाथों पर उठा देते हैं, और 5 रुपए मैंने 5 से भी घटा दिए क्योंकि मैं लेस देता हूँ 20-25%, 3.5 रुपए कर दिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 3.5 रुपए के हिसाब से आप लिखा दें और जोड़ जाएंगे, नहीं तब आप फल की बोरी ला करके प्रदान कर दें, ताकि अगली बार हम लोग आए तो ऐसा नहीं कहना पड़े कि खल की बोरी अपने को चाहिए, अगली बार कोई और चीज मांगी शाम घर में, ये तो हम पूरा करें भाई। कल की कथा हम लोग करेंगे, भरत की कथा आएंगे, प्रहलाद की कथा,
कहेंगे अजामिल भक्त की कथा होगी और साथ ही साथ चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा कल आएगी। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़ी ही धूमधाम से। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कहते हैं कि जो भगवान के जन्म का जन्मोत्सव मनाता है और झूला झूला करके नाचता है गाता है, भगवान उसके घर में भी झूले झूलते रहते हैं, उसका वंश भी आगे बढ़ता रहता है, उसके घर में भी बधाइयां बढ़ती हैं। तो कल जितने भी लोग आए, जितनी माताएं बहने भाई बंधु सब, झूले को हम लोग झूला करके ही जाएंगे और खूब आनंद लेकर के जाएंगे। अपने घर में बेटा हो जाता है, पोता हो जाता है, तो हम क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं भाई है? हाँ, तो कल देखेंगे ताली और थाली कौन कौन बजाता है। और कोई बजाए ना बजाए, हमारी माँ सत्या देवी तो जरूर बजाएगी, ये तो मेरे पक्का ही है। माँ के लिए ताली बजाए भाई, देखो कितना 80 साल की होने को आई, 80 साल की उम्र में भी महाराज 20-30 आदमियों को तो भोजन में ऐसे सड़ा देती, पता ही नहीं चलता, बैठ के देती है। कल माँ से मैंने पूछा तो बोले घुटने दर्द होने लग गए, बाकी और कोई बात नहीं, सेवा में कोई कमी नहीं। तो भगवान इसी प्रकार से हम तो ये कहते हैं कि स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और ऐसा ही आशीर्वाद हम सभी को माँ का मिलता रहे। इसी आशा के साथ में आज की कथा को विराम। कल झूला झुलाएंगे तो कल वो कहते हैं ना टोपी जगलिया पगलिया क्या बोलते हैं भाई, आपका वो सब लेकर के आएंगे। कल खाली हाथ कोई भी नहीं आएगा, कल भगवान के जन्मोत्सव में मैं तो ये कहता हूँ कि आप 5-5 किलो गुड़ दे आओगे, नहीं बधाई में 5-5 किलो गुड़ ले आओगे तो ही महाराज आशीर्वाद। गौ माता गाय के लिए आते हैं ना भगवान, गौ माता के लिए आते हैं। तो सभी खाली हाथ नहीं, कोई टोपी है, कोई गुड़ है, कोई कुछ है, कल लेकर के आएंगे। आज की कथा को विराम, सभी खड़े हो जाएंगे, आरती और प्रसाद सभी लेकर जाएंगे। कुछ कोई आदेश है तो 2 मिनट का समय हमारे गो भक्त आए हुए हैं, पिछली बार भी शायद आए थे, मैं इससे मिले थे मैं समझता है, तो उनसे निवेदन करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखें और अपनी वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करें। खड़े खड़े सुनने भाई बैठे बैठे तो आप थकी कहीं नहीं, तो खड़े खड़े सुन भी लें। परम सत्य व्यासपीठ पर विराजमान परम गुरु शास्त्री जी का मैं व्यासपीठ को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं इतनी संख्या में मातृशक्ति यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, मैं इनकी चरणों की धूल को नतमस्तक करता हूँ। मैं ज्यादा कुछ न बोलता हुआ मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ मेरी माताओं बहनों से कि हम धर्म का काम करते हैं तो हमने वचन लिया था कि जब भी काम करेंगे तो साथ बैठ के करेंगे। एक खेवट का प्रसंग भी आता है, खेवट ने भी जब भगवान के दर्शन किए थे तो अपनी पत्नी को घर बुला के, पूरे परिवार को बुला के उन्होंने उनकी पूजा की। तो आप यहाँ धर्म का काम करते हो तो पुरुष भाई यहाँ कम आते हैं, उनको एक बार यहाँ गौ माता के दर्शन करवाने का काम करो, ये मेरी प्रार्थना करता हूँ। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हुआ मैं हरियाणा सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ कथा के लिए शास्त्री जी आए हैं, मैं इनका गौ सेवा आयोग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से इनका तह दिल से इस कमेटी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ इतने ज्ञानवर्धक बातें, संस्कार की बातें की, इनको मैं सुनने के लिए यहाँ रुका। मेरे को आते ही कह रहे थे कभी 2 मिनट आप वक्तव्य दे दो, मैं के वक्तव्य मैं सारे दिन देता हूँ, लेकिन ये परिवार है, ये परिवार में बैठ के कथा सुनने का मेरा मन था इसलिए मैं रुका हूँ। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके इलाके में नर्मदा की फसल की बात आई, फसल कमजोर हो गई लेकिन गौशाला में धान कम आ रहा है। अगर किसी ने गोवंश को छोड़ दिया है आपके पास या 500-1100 की रसीद की वजह से, मैं एक सरकार का एक प्रतिनिधि होने के बाद अगर वो गोवंश गलियों में भटक रहा है उसका गौशाला में आने दीजिए, उनका एक गोवंश को 7,000 रुपए मैं पर गोवंश देने के लिए तैयार हूँ।
इसी के साथ अगर कोई बछड़ी आती है, कोई गाय आती है, अगर कोई नंदी आता है तो गाय के लिए 30 रुपए, नंदी के लिए 40 रुपए और बछड़े के लिए 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश देने के लिए। लेकिन गौ माता को आपने घर से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से बंद निकाले हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न बोलता हुआ, यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारे तो वक्तव्य सारे दिन चलते रहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कमेटी का, आचार्य जी का और मेरे पिता तुल्य भाइयों और इन गौ भक्तों के मैं चरणों की मिट्टी को नतमस्तक करता हूँ। इस इलाके में सबसे ज्यादा गौशाला है, इसलिए मैं आपका बेटा होने के नाते आपको तय दिल से यही कहता हूँ, कोई गाय को भूखी नहीं मरने दूंगा। आपको जनवरी में ग्रांट मिली है, मार्च में एक और लाके दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी महोदय है हरियाणा सरकार की ओर से, आप सभी जानते हैं इससे ज्यादा अच्छे प्रेसिडेंट, बहुत सुंदर है उनका वक्तव्य रहा। मैं दादेवाला गांव कमेटी की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और आइए आज की ओर आगे बढ़े, सभी आगे बढ़ेंगे प्रेम से भाव से आपसे करवाएंगे। Thank you.
चमकती कुछ